अयोध्या में पत्रकारिता की आड़ में स्ट्रिंग ऑपरेशन करवाकर धनुबाही करने का मामला कप्तान के दरबार में न्यूज वन इंडिया के पत्रकार राघवेंद्र शुक्ल उर्फ मिंटू के खिलाफ उनकी सहयोगी रही ज्योति जायसवाल ने त्याग पत्र देकर राघवेंद्र शुक्ल उर्फ मिंटू के खिलाफ मोर्चा खोल आरोप है। आरटीओ ऑफिस अयोध्या, पराग रेस्टोरेंट साहबगंज, गुप्ता होटल नया घाट, गुदरी बाजार स्थित एक हुक्का बार, शहर के स्थित कुछ अवैध मसाज पार्लर, कोतवाली नगर के हैदरगंज में नशीली दवाओं और सट्टा के अवैध धंधे में भी ब्लैकमेलिंग कर मोटी कमाई, स्टिंग ऑपरेशन और ब्लैकमेलिंग के बल पर कर धन उगाही के धंधे को अंजाम दिया जा रहा है तथा दिया गया है। राघवेंद्र शुक्ला पर कोरोना काल में भी युवा पत्रकार एसोसिएशन का वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन लाखों रुपए के धन उगाही का आरोप थाना कोतवाली अयोध्या में आईपीसी के तहत दर्ज मामला गवाह से कम नहीं है। लोगों को चकमा देने के लिए आधार कार्ड भी देने में कोई कोताही नहीं करता है। गलत पता बताकर बहुरूपिया बन शासन प्रशासन को गुमराह भी किया करता है, ज्योति जायसवाल ने आरोप लगाया है कि वह तथाकथित पत्रकार अयोध्या के जानकी घाट पर अपना निवास आधार कार्ड में बताता है तथा वह नया घाट चौकी क्षेत्र अंतर्गत निवास करता है। पत्रकार ज्योति जायसवाल ने मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए शिकायती प्रार्थना पत्र देकर एसएसपी अयोध्या क्षेत्राधिकारी अयोध्या से शिकायत कर जांचोपरांत आरोपी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की है। उन्हें उच्चाधिकारियों द्वारा मामले की जांच के बाद कार्यवाही का आश्वासन भी दिया गया है। आइए देखें क्या कहती है ज्योति जायसवाल। मनोज तिवारी, ब्यूरो चीफ अयोध्या। मेरा नाम ज्योति जायसवाल है और मैं न्यूज वन इंडिया में काम कर रही थी। 16 दिसंबर को मैंने इस्तीफा दे दिया राघवेंद्र शुक्ला की वजह से। जब मैं मास फॉर्म कर रही थी, इस वर्ष मेरा मास फॉर्म कंप्लीट हुआ है। इससे पहले मैं राघव शुक्ला के साथ काम कर रही थी। उन्होंने बतौर अपने सहयोगी के तौर पर मुझे रखा था। मैं पर डे ऑफिस जाती थी। अगर वहाँ के सीसीटीवी कैमरा को अगर देखा जाए तो मैं पर डे वहाँ पे ऑफिस जाती थी। और उसके बाद मैं राघवेंद्र शुक्ला लगा मुझसे स्टिंग ऑपरेशन करवाते थे जगह जगह पर। मैं स्टिंग ऑपरेशन करके उनको देती भी थी, उनके पास वीडियोज मौजूद है, मैं उनको देती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस स्टिंग ऑपरेशन से वो वसूली करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। जब मुझे इसकी जानकारी हुई तो मैं धीरे धीरे उनको अवॉइड कर रही थी। लेकिन चूंकि मेरे अंदर सीखने की ललक थी, मुझसे सीनियर थे, तो मैं सीखने के लिए ऑफिस आना जाना मेरा रहता था। उसके बाद उसके बाद में इन्होंने मुझे आईडी कार्ड दिलाया न्यूज़ ऑन इंडिया का। बतौर यहाँ पे संवाददाता मुझे नियुक्त किया। मैं काम कर रही थी 8-9 महीना। बतौर जब मुझे कार्ड मिल गया, उसके बाद भी मैंने काम किया। उसके बाद श्रीराम हॉस्पिटल में एक मुझे शिकायत मिली थी इंद्रवान विश्वकर्मा के खिलाफ। तो डॉक्टर इंद्रवान विश्वकर्मा के खिलाफ मैंने जो खबर की थी उसको रुकवाया गया। साफ तौर पर डॉक्टर इंद्रवान विश्वकर्मा से कहा गया कि मैं इस खबर को रुकवा दूंगा, तुम परेशान ना हो। जब मैं उनके कमरे में मौजूद थी तभी राघवेंद्र शुक्ला को फोन करते हैं डॉक्टर इंद्रवान विश्वकर्मा। उनको मिंटू नाम करके पुकारते हैं, उनका उपनाम मिंटू भी है। ये मुझे पता नहीं था। लेकिन राघवेंद्र शुक्ला जब वहाँ पहुँचते हैं तो मैंने जब डॉक्टर साहब से पूछा कि मिंटू कौन है, आप मिंटू किस मिंटू को बुला रहे हैं, तो उन्होंने कहा वही आपके सीनियर राघवेंद्र शुक्ला का नाम ही मिंटू है। तो राघवेंद्र शुक्ला वहाँ पर आते हैं, डॉक्टर को आश्वासन देते हैं कि आपकी जो खबर है वो चलेगी नहीं। उसके बाद झूठा मेरे खिलाफ एप्लीकेशन लिखवाया जाता है, रूमर्स फैलाया जाता है कि ज्योति ने ब्लैकमेलिंग किया है, ये किया है, वो किया है। इसकी जब खबर मुझे मिली तो धीरे धीरे मैं थोड़ा सा परेशान भी हुई और तरह तरह का मेंटली टॉर्चर मुझे किया जाने लगा। मुझे फ़ोन करके धमकी देना, करवाना, मुकदमा दर्ज होगा जाएगा, तुम फंस जाओगे, तुम्हें जेल भेज दूंगा। और मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग है जिससे मेरी बात हुई है। कुछ लोगों ने बताया कि राघवेंद्र शुक्ला कहते हैं कि इस मैटर में ज्योति अगर बच गई तो ठीक है, लेकिन अगले मैटर में तुमको जेल भेज कर ही लूंगा। राघवेंद्र शुक्ला लगातार मुझ पर ऐसा दबाव बना रहे हैं। मेरे पास फोन की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है जिसमें राघवेंद्र शुक्ला ने कहा है किसी से, उनका कोई संबंधी है, उन्हीं से उन्होंने कहा है कि अगर इस मैटर में ज्योति बच गई तो मैं अगले मैटर में ज्योति को जेल पहुंचा कर ही रहूंगा। और वो तरह तरह के मुझे धमकियां दे रहे हैं, तरह तरह के लोगों से बात करवा रहे हैं। जहां मेरा सिलेक्शन होता है, जहां मेरी नियुक्ति होती है जिस चैनल में, वहां पर भड़ास में एक खबर, झूठी खबर चलवाई थी, उसको लिंक भेज देते हैं, मुझे चैनल से निकाल दिया जाता है। तरह तरह के मैं जब मेंटली टॉर्चर अब हो रही हूँ, इसके कारण मैं 16 दिसंबर को मैंने त्याग पत्र दे दिया न्यूज़ ऑन इंडिया में। और तब से मैं न्यूज़ ऑन इंडिया में काम नहीं कर रही हूँ। लेकिन अभी भी न्यूज़ ऑन इंडिया ने मेरे त्याग पत्र को एक्सेप्ट नहीं किया है। मैंने दिया तो है लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। बात पर मैं राघवेंद्र शुक्ला से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। इस वजह से आज मैं एसएसपी सर से मिलने आई थी। आज मैंने उनको शिकायत पत्र दिया है और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं जांच करवा करके उनके ऊपर मुकदमा लिखूंगा। और मुझे